हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको देखो, पिछले 5 सालों के पेपर हैं आपके, हर सब्जेक्ट के, प्रत्येक सब्जेक्ट के पिछले 5 सालों के पेपर, और दूसरा आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनकी सबकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएससी से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी और जल्द ही आपकी ऑनलाइन क्लासेज वगैरह स्टार्ट की जाएगी। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको लिखना है sciencefoundation.com, ठीक है। तो SCIENCE साइंस फाउंडेशन, FOUN साइंस फाउंडेशन .com, COM, इतना कुछ सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से नीचे खुल के आएगी, जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये अपने YouTube चैनल साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट है, तो इस पर क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से आपके सामने कुछ पेज ओपन हो के आएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए, ये है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो कि मैंने अभी डाला है। और ये जो वेबसाइट है ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन से। यहाँ पर जितना भी कुछ है सब कुछ फ्री है, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसको सिलेबस देखना है अपना पूरा, और फाइनल ईयर का है उसको ये बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर जो कि आपका 2018 का है, इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये सब कुछ भी मैं इसमें बताऊंगा, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है। और बीएससी फाइनल ईयर का है, सबका इसके अंदर मिलेगा। तो देखो, जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो ऐसे थोड़ी देखेगा कि मैं कहाँ तक देखूँगा, ऐसे तो नीचे तक, तो इस 3 डॉट पर इधर नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, इस पर आपको जो है एक बार क्लिक मारना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो खुलेगा होम, होम से अपन वेबसाइट पे चले जाएंगे वापस। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर के दे रखे हैं मैंने। तो आपको, जैसे आप फर्स्ट ईयर से हैं तो आपको क्लिक करना है बीएससी फर्स्ट ईयर के ऊपर। बीएससी फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का ही पूरा मैटर मिलेगा। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए तो इसमें जो है सब कुछ बता रखा है। देखिए, ओकाजाकी खंड क्या है, ठीक है, ओकाजाकी खंड क्या है, तो इसकी आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। डीएनए पुनरावृत्ति में डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड अर्थात 3-5 स्ट्रैंड पर डीएनए 5-3 दिशा में छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होता है, और इन खंडों में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है। जय, इनके आंसर भी मिलेंगे। काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है मैंने, आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और इसी वजह से मैंने YouTube पे वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि यहाँ पर मैं काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जितने भी विद्यार्थी हैं ना वो सब ये बोलते हैं कि सर हमको इनके आंसर भी दो क्वेश्चनों के, यूट्यूब पे क्वेश्चन तो काफ़ी पड़े हैं परंतु हमको इनके आंसर भी चाहिए, और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, पुराने क्वेश्चन चाहिए, और इनकी पीडीएफ भी दो। तो मैंने सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप क्वेश्चन देख लो आराम से, ये फर्स्ट ईयर वालों का चल रहा है, अभी सेकंड ईयर वालों का बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए आराम से तुम्हारा आंसर वगैरह, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं एक साथ बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं सेकंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए बैक चले जाना है, थोड़ा सा बैक आए, अब क्लिक करना है सेकेंड ईयर वालों को इस पर, ठीक है, फिर डाउनलोड करना आखिरी में बताऊंगा। सभी देख लो आराम से, देखो कुछ ज़्यादा टाइम आपका लग नहीं रहा, 5-10 मिनट की वीडियो है, आराम से समझो, ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब बीएससी सेकेंड ईयर पर क्लिक करो, अब देखो मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ ना वैसे कर लेना, सेम ऐसे ही खुलेगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा आपसे इसके अंदर। अब देखिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी का, प्रत्येक के ऊपर ऐसी एडिंग मिलेगी। देखो एग्जाम की तरह बिल्कुल सेट किया है मैंने, जैसे कि आपके फैकल्टी ऑफ साइंस है, और ये 2017 का पेपर है, इसकी पीडीएफ मिलेगी। आल्सो कॉमन विद सबसेडरी पेपर ऑफ बीएससी होनर्स, ओनर्स वालों के लिए है और सबसेडरी वालों के लिए, दोनों के लिए कमेंट मत करना, अक्सर हमारे ओनर्स का भी डालो, आपका भी आ गया।
थ्री ईयर सीमन 10+2+3, इसका मतलब आप समझते हो ये आपका कोर्स का जो पैटर्न है ये 10+2+3 होता है। आपके दसवीं के बाद में 2 इसलिए आता है, 12वीं पास होता है, 3 इसलिए आता है, 3 साल की आपकी बीएससी होती है। जूलॉजी का पेपर है, 3rd पेपर है। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका पेपर आपका। एक बार सिलेबस देखोगे तब आपकी समझ में आएगा, सिलेबस डाल रखा है वेबसाइट पर देख लेना। यहाँ आपके थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रखी है मैंने कि इस पोस्ट में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और ये आपके क्वेश्चन आ गई, देख लीजिए ये आपके क्वेश्चन आ गए सेकेंड ईयर वालों के, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड ईयर वाले इन क्वेश्चनों को डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ मैं फाइनल ईयर वालों के लिए। अब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट नीचे ये लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से खुलेगा, नीचे स्क्रॉल करना, बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर आ गया, इसको देख लेना, ठीक है। और अब कहोगे कि सर एक एक पेपर आ रहा है, एक एक पेपर नहीं आएगा, नीचे देखो, नीचे नीचे यहाँ पर जैसे ही जाओगे यहाँ पर पूरी वेबसाइट के बारे में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करना आपको बताता हूँ, डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक किया था और मेरे को डाउनलोड करना है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का सिलेबस, तो इस पर क्लिक करो वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो अभी नई पोस्ट में डाल रहा हूँ उसमें डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं पीडीएफ का, ठीक है। अब जैसे ये पूरा सिलेबस है, इनका सिलेबस की वीडियो बना रखी है मैंने फर्स्ट ईयर वालों को, वहाँ पर देख लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं डाउनलोड करने का सिस्टम आपको बताऊँगा। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर स्क्रीनशॉट से बढ़िया है डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे जाओगे आप, ये पूरा सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने इंग्लिश और हिंदी में बता रखा है। अब यहाँ पर लिख रखा है डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ लिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और नीचे बीएससी जनरल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो कि आपका अलग सिलेबस है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा जो है आपके नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का होम पे जाने के बाद, और आराम से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि देखो ये पेपर डाउनलोड यहाँ से करने हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर, इस पर क्लिक करोगे आप तो आगे का जो इंटरफेस होगा उसके अंदर डायरेक्ट आपकी ये पोस्ट खुल जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। और फिर भी अगर डाउनलोड नहीं होती है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आता है तो उसको मैं सुधार रहा हूँ। अभी क्या है, थोड़ा सा डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेबस खुल जाता है, ठीक है। अभी इस पर यहाँ पर एक डाउनलोड का निशान आएगा, देखो जैसे ये निशान आ रहा है ना यहाँ पे, इसके नीचे रेड रेड निशान आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से आपके यहाँ पर एक डाउनलोड का निशान आएगा ऐसे करके, उस पर क्लिक करना है और आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगली जो आपकी पोस्ट आएगी ना उसके अंदर अभी ये सुधार दूंगा, काफ़ी टाइम लग गया है मेरे को और इसके अंदर क्या है काफ़ी खर्चा भी आ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है मैं बिजी चल रहा था। आपको थोड़ा सा, आपको पैसे देने की 1% ज़रूरत नहीं है, ना आपसे कोई पैसे मांगे जाएंगे आगे भविष्य में। सिर्फ आपको इतना सा करना है कि वीडियो को शेयर करना है एंड अपने दोस्तों को बताना है और रेगुलर क्लास लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।